हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। अपनी सारी जरूरतों को पिता परमेश्वर से बताएंगे, ठीक है। चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे जितनी भी गंभीर घातक बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह से बड़ी कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें पिता से बताना है, पिता से छिपाना नहीं है। चाहे जो भी पाप हो, चाहे जितना भी गंदा घिनौना नंगा पाप क्यों ना हो, सब यीशु मसीह से हमें बताना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है उसके ऊपर दया की जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे जितना भी गंदा घिनौना नंगा पाप हो, यीशु मसीह ने कहा है तुम उन अपराधों को मान लो और मेरे सामने छोड़ दो, तुम्हारे पाप हिम की नाय उजले कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ने कहा हमें पापों को छिपाना नहीं है, धर्म को छिपाना नहीं है। हमें पिता से बोलना है, ठीक है, हमारा चंगा करने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है, पिता का धन्यवाद करिए जो पिता ने हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए पिता का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, सांसारिक लोग होंगे, मर गए होंगे, ठीक है, और वह एक ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे जहाँ का धुआं युगान उड़ता रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है, पिता का धन्यवाद करेंगे। ठीक है, हमें किसी मनुष्य के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें पिता के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, ठीक है। पिता हमारे आंसू को पोछेगा, पिता हमारी गरीबी को दूर करेगा, पिता हमारे आंसू को पोछेगा, पिता हमारी बीमारियों को ठीक करेगा, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है जो डाली मुझमें नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूँ, और जो फलती है उसको और छाटता हूँ ताकि वह और फले, और फल लाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी को मसीह में फलवंत होना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फल लाना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रांत को लास्ट तक सुने और लास्ट में आमीन बोलकर रसीव करें। तो चलिए हम प्रांत को शुरू करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सबों को मेरे प्रभु जीवितों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु पिता, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे मेरे प्रभु, सांसारिक लोग होंगे मेरे पिता, जो बिना उद्धार के पिता, जो बिना सुसमाचार के ही मर गए होंगे मेरे प्रभु, और वह एक ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे प्रभु जहाँ का धुआं युगान उड़ता रहता है। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे प्रभु हम सबों को जीवित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, इसके लिए पिता हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे यीशु पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, जो बीमार हैं मेरे पिता, जो तमाम इलाज दवाइयां करा चुके हैं मेरे प्रभु, फिर वे नहीं ठीक होते मेरे प्रभु, मेरे पिता हम चाहते हैं मेरे स्वामी, मेरे प्रभु वे चंगे हो जाएँ, अपने बीमारियों से हील हो जाएँ, फ्री हो जाए, चंगे हो जाए, उसमें से आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र पवित्र, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा अदरंत हैं मेरे पिता, आपके ना कोई तुल्य और ना कोई उपाय जगत में मेरे प्रभु, क्योंकि मुर्दों की जिलाने लें, अंधों को दृष्टि देने लगे, ये पाजों को सिद्ध करने यहोवा जुलाव रहे मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपने महान आश्चर्य काम किए मेरे प्रभु, आपके ना कोई तुल्यवार ना कोई पाएगा इस जगत में मेरे प्रभु, पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु पाप आपको दिया गया मेरे प्रभु। मेरे पिता, जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे प्रभु पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ़ करें मेरे प्रभु, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आपके पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्म को क्षमा कर सकते हैं मेरे प्रभु, आप ढाप सकते हैं मेरे प्रभु पिता, अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता हम सभी लोगों के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे स्वामी। यश, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र पवित्र, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता। मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार मेरे मालिक आपको दिया गया मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं,
आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता आपने महान आश्चर्य काम किए मेरे प्रभु। आपने हम सभी लोगों से इतना प्रेम किया मेरे प्रभु कि आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया मेरे प्रभु। आपने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सही, दुख सहा, दर्द सहा मेरे प्रभु। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु। पिता आपने हम सभी लोगों से इतना प्रेम किया मेरे पिता कि आपने अपना लहू बहा दिया मेरे प्रभु। आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया मेरे स्वामी। पिता आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे पिता। ओ लहू पिता, जिस लहू से हम सभी के पाप क्षमा हुए हैं पिता। ओ लहू पिता, जिस लहू से पिता हम सभी का बोझ, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ मेरे पिता आप अपने ऊपर ले लिए पिता, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए मेरे प्रभु। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु पापा। होने दे मेरे पिता, हम उनके के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो गरीब है पिता, जो लाचार है मेरे प्रभु, जो कमाने लिए नहीं है मेरे पिता, इनके हाथ मांगने लिए नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने लिए बना दीजिए मेरे स्वामी। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे प्रभु। आपने कहा है मेरे प्रभु, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते, खटखटाते मेरे स्वामी। मेरे पिता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, इनके घरों के पास से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे प्रभु, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए पिता। बहुत तेरी जातियों को उधार देने बन सके मेरे प्रभु। इनके हाथ मांगने लिए नहीं यीशु पापा, इनके हाथ देने लिए बना दीजिए मेरे स्वामी। आपके सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु करता मेरे मालिक आपको दिया गया मेरे पिता। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप बहुत महान हैं, आप दयालु हैं पिता, आप हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं मेरे पिता, आप बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रभु। आप महान हैं प्रभु, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं मेरे पापा। हालेलुया। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो किसी बात को लेकर टूट गए हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, बेचैन हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हर एक जन को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं मेरे पिता, आपके नाम से मांगते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता पवित्र आत्मा जी हर एक जनों को छू लीजिए पिता। इनका रोना बिलखना चिल्लाना हमेशा के लिए बंद हो जाए मेरे पिता। इनका शोक आनंद में बदलने पाए मेरे पिता, इनकी उदासी खुशी में बदलने पाए, हंसी में बदलने पाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे मालिक। यीशु पापा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, जिनकी शादियाँ नहीं होती, जिन मसीह भावनों की शादियाँ नहीं होती मेरे प्रभु। पिता होने दे मेरे स्वामी मेरे पिता, हम चाहते हैं मेरे पिता पिता ये धक झाकने ना लगे रहने पाए मेरे पिता, इनकी शादियाँ हो जाए आपके नाम से मेरे प्रभु। पिता ये अच्छे से अपना जीवन बिताने पाए मेरे पिता, आपके वचन के हिसाब से आपसे मेरे प्रभु। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने ख्याल विचार आते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता जब ये लेटे मेरे प्रभु, तब ने सुख की नींद आने पाए मेरे पिता। इनके चारपाई के पास आपके दूध आपके लहू का वाड़ा बांध मेरे प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब दे सुख की नींद आएगी मेरे प्रभु। आपके नाम से मांगते मेरे पिता, आपके नाम से पुकारते मेरे प्रभु। जब ये लेटे ना सुख की नींद दीजिए प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे पिता उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। मुझे आशा है, विश्वास है मेरे प्रभु आपने प्रार्थना को सुना मेरे पिता। ये छोटे से मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल करेगा। आमीन आमीन।